वहीं उत्तराखंड में सुबह और शाम ठंड बढ़ गई है। चंपावत और अल्मोड़ा में 6 डिग्री के करीब जो पारा है वो पहुंच गया है। बात करें प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की तो यहां पर तापमान में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। ठंडक का सबसे अधिक असर चंपावत और अल्मोड़ा में देखा जा सकता है। वहीं कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह शाम ठंड पड़ने लगी है। वहीं मंगलवार को चंपावत का अधिकतम पारा 23.2 डिग्री व न्यूनतम 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अल्मोड़ा का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तो न्यूनतम 6.1 डिग्री रहा। पिथौरागढ़ का न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। फिलहाल वर्षा की संभावना नहीं है।